हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रोजगार में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कोंडागांव जिले और बस्तर जिले में आई हुई आईटीआई में आई हुई वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक यहाँ पे ट्रेनिंग जो सेंटर होते हैं आईटीआईज गवर्नमेंट के, वहाँ पर हर साल लगभग गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी आती है। तो अब यहाँ पर कोंडागांव और आपके बस्तर में भी वैकेंसी आ चुकी है। ये देख सकते हैं 4/10/2021 यानी कि आज ही का नोटिफिकेशन है। तो चलिए देख लेते हैं कितने पोस्ट आए हैं और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो सबसे पहले हमने ये नोटिस को डाउनलोड कर लिया है कोंडागांव की, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो आपको फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 23/10/2021 है। देख सकते हैं 23 अक्टूबर तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं ये, और फॉर्म को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। और कहाँ भेजना है दोस्तों, प्लेस यहाँ पे देख सकते हैं अधीक्षक बोल्ड में लिखा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोंडागांव नारायणपुर रोड, और उसके बाद फिर यहाँ पे जोंद्रा पदर पोस्ट बुनागांव और तहसील एवं जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़, और ये पिन कोड लिखा हुआ है। इस पे आप 23 तारीख तक भेज सकते हैं, बट आप 23 तारीख तक का इंतज़ार ना करें, आप कम से कम 3 से 4 दिन पहले यानी कि 18 तक का आप फॉर्म को भेज दें, अदरवाइज रिजेक्ट होकर घर पे आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसी का डिटेल, यहाँ पे देख सकते हैं फिटर है, वेल्डर है, कोपा है, हिंदी, स्टेनोग्राफी, हॉस्पिटल हाउसकीपिंग है, मैकेनिकल डीजल है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, देन इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए पोस्ट है। तो लगभग यहाँ पे आप लोगों के अलग अलग आईटीआईज में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कोंडागांव है, केसकाल है, माकड़ी है, विश्रामपुरी है, मर्दापाल है, नारायणपुर है। तो इसमें कुल टोटल यहाँ पे 11 पोस्ट निकाले गए हैं दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो देख सकते हैं डीजल मैकेनिक के लिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त हाई सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण मांगा है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय यहाँ पे आपका देख सकते हैं व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए, देन राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता यानी कि अप्रेंटिसशिप की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसकी यहाँ पे सर्टिफिकेट होनी चाहिए। देन उसके बाद हल्के मोटर यान के लाइसेंस आप लोगों के लिए अनिवार्य है, ये डीजल मैकेनिक के लिए। और उसी तरीके से अभ्यर्थी को DDT के उच्च प्रशिक्षण संस्थान से ATI या यहाँ पे CTI उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों के इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे स्नातक या स्नातकोत्तर इंग्लिश मीडियम में मांगा है इंग्लिश साहित्य से, और BEd की प्रशिक्षण मांगी गई है। और उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे वर्कशॉप के लिए यहाँ पे मान्यता प्राप्त से या पुरानी 11वीं के समतुल्य और मैकेनिकल में भी यहाँ पर डिग्री मांगी गई है, जिस तरीके से यहाँ ऊपर में डीजल मैकेनिक के लिए मांगा गया है। तो ये सारा कुछ आप डिटेल में देख लेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को ऊपर यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। और यहाँ पे देख सकते हैं ये इसकी लिंक PDF की मैं आप लोगों को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके पहले भी मैंने 2-3 वीडियो शूट किए हैं आईटीआई से रिलेटेड। और यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी स्टेनोग्राफी के पोस्ट हैं, और 10,000 यहाँ पे डिप्रेशन मांगा गया है। उसी तरीके से यहाँ 10+2 मांगा गया है, असिस्टेंट यहाँ पे शॉर्ट हैंड मांगा गया है 100 प्रति मिनट। तो ये कौशल परीक्षा आपको ली जाएगी अगर आप स्टेनोग्राफी के लिए अप्लाई करते हैं, ये हाउसकीपिंग के लिए ये एक क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। और चयन किस प्रकार होगा, मेरिट के आधार पर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं 1 वर्ष के लिए। और इसके लिए जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो 10,000 के आसपास मिलने वाली है, यहाँ पे प्रति यहाँ पीरियड यहाँ पे 100 रुपये आपको दिए जाएंगे, और 5 घंटे का आपको वर्कआउट यहाँ पे करना होगा प्रतिदिन, और यहाँ पे ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं, और यहाँ पे नियम और शर्तें लिखी हुई है। तो आप लोग दोस्तों, और ये एप्लीकेशन का सिंपल सा फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको किस प्रकार से भरना है, यहाँ पे जैसे विषय भरना है, देन आवेदित संस्था का नाम, देन आवेदक का नाम, उसके पता यहाँ पे नीचे में भरना पड़ेगा आप लोगों को, देन उसके बाद ईमेल ID, यहाँ पे पिता या पति का नाम, माता का नाम, जाति वर्ग संवर्ग, ये एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है।
आप लोग इसको भर लेंगे। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालना है और सारे ही डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पर जो दिख लिखा है पता उस पर सबमिट करना है। उसी तरीके से यहाँ पर हम बस्तर की बात करें तो बस्तर में भी काफ़ी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। ये विज्ञापन को देखेंगे तो जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये देख सकते हैं लगभग 14 पोस्ट हैं दोस्तों। और यहाँ पर भी काफ़ी वैकेंसीज हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन करना है वो 18/10/2021 तक करना है, यानी कि 18 अक्टूबर तक आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बस्तर का और कोंडा गांव का यहाँ पे आप लोग फिल कर सकते हैं आपका 23 तारीख तक। तो मैंने डिटेल में आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में इंटरव्यू आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। आप लोग इसको एक बार और अप्लाई करने से पहले अपने सारे ही यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पढ़ लेंगे और अप्लाई कर लेंगे दोस्तों। मैं आप लोगों को पोस्ट डिटेल एक बार और बता देता हूँ। ये बस्तर की यहाँ फिटर के एक पोस्ट हैं, उसी तरीके से विद्युत कार के एक पोस्ट हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग के यहाँ 5 पोस्ट हैं, मैकेनिकल डीजल के यहाँ 1 पोस्ट हैं, ड्राइवर कम मैकेनिक के 1 पोस्ट हैं, उसी तरीके से मोटर कम व्हीकल के 1 पोस्ट हैं, देन स्टेनोग्राफर यहाँ पे हिंदी के लिए 2 पोस्ट हैं, और उसी तरीके से इंग्लिश के लिए 1 पोस्ट है, उसी तरीके से सोलर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट। इस तरीके से 14 पोस्ट यहाँ पे कुल टोटल बस्तर में निकाले गए हैं और 11 के आसपास वहाँ पर निकाले गए हैं। एक और था दोस्तों सुकमा का, यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में यहाँ पर आप लोगों के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से 1 पोस्ट निकाला गया है। उसके लिए सीधे साक्षात्कार द्वारा आप इंटरव्यू दिला सकते हैं, तो इसकी भी PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। आई होप ये भी इन्फॉर्मेशन थोड़ी हेल्पफुल लगी हो आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसमें जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसको पोस्ट के अकॉर्डिंग देख लेंगे और अप्लाई कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए नेक्स्ट रोजगार के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।